दिल्ली NCR में बदमाशों का खौफ किस कदर बुलंद है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आज दिन दहाड़े बदमाशों ने बिलासपुर कस्बे में चेकिंग कर रहे चौकी इंचार्ज अंकित चौधरी के पैर में गोली मार दी और बदमाश हथियार लहराते फरार हो गए। अधिकारियों की माने तो अंकित चौधरी चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाश उधर से गुजरे और दरोगा अंकित चौधरी को बदमाशों पर शक हुआ तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों ने अपनी बाइक नहीं रोकी। इसके बाद दरोगा अंकित चौधरी और एक सिपाही बदमाशों का पीछा करने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने दरोगा अंकित चौधरी के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें अंकित चौधरी के पैर में गोली लग गई। बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने दरोगा अंकित चौधरी को ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज बिलासपुर आज अपनी टीम के साथ बिलासपुर कस्बे में केनरा बैंक के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो बहुत तेज़ी से उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें चौकी इंचार्ज अंकुश चौधरी के पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। बदमाश जिस ओर भागे हैं, वह कई थानों की फोर्स मौके पर उनका घेराबंदी करके उनकी कॉम्बिंग कर रही है। जल्द ही इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल बदमाशों को पकड़ने के लिए जिले की सभी थानों की पुलिस को लगाया गया है और बदमाशों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग लगातार जारी है। हालांकि अभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Time24 न्यूज़ के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।